अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं जब तोते लेके आ रहा था दोस्तों हमारे लव बर्ड्स, तो भाई मैंने आपको कहा था कि इनकी शिफ्टिंग करनी है प्रॉपर, इनको जगह देंगे के रहने के लिए। अभी तो ये छोटे से केज में है और आपस में ना, मतलब कि ये जो पुराने वाले हमारे तोते हैं वो उनको स्टिक पे बैठने नहीं दे रहे, तो इनको करना है हम केज में शिफ्ट। और कोशिश यही करेंगे कि यार एक केज ना इसके अंदर चला जाए, ताकि बिल्ली वगैरह का भी खतरा ना हो। अगर हम यहीं पे लटका रहने देंगे तो बिल्ली नुकसान कर सकती है। वो बस चलें शुरू करते हैं और तोतों को जाकर। और यार हम आज दोस्तों हमने कॉकरेल को भी देखना है, क्योंकि यार उसके अंडे दोस्तों पता नहीं बच्चे निकले हैं या नहीं, अंडे सारे मुझे लगता है ख़राब हो चुके हैं, इनका भी कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैवरी में चलते हैं, तो देखते हैं क्या चल रहा है। हमारे बुलबुल यार काफ़ी टाइम हो गया, मैंने इसको ना फ्री फ्लाई नहीं दी। इंशाल्लाह संडे आ रहा है, इंशाल्लाह संडे वाले दिन जो है ना हम इसको फ्री फ्लाई देंगे, क्योंकि संडे को होती है मेरी छुट्टी। और क्योंकि सुबह सुबह के टाइम इसको खोलता, मैं इस टाइम नहीं खोलता क्योंकि इस टाइम चल रही होती दोस्तों चीलें वगैरह, कब्बे वगैरह, बिल्लियाँ शिलियाँ हो रही होती, तो इसलिए मैं इस टाइम इसको नहीं खोलता। इसको भी इंशाल्लाह इतवार वाले दिन हम खोलेंगे। तो यार मुझे लगता है दोस्तों हमारे ना तोते शायद उन्होंने अंडे दिए हुए, क्योंकि यार ये ना अंदर ही बैठे रहते दोस्तों, बाहर बिल्कुल भी आते ही नहीं है। सबसे पहले तो अपने कॉकटल्स को देख लेते यार, इनके अंडे उंडे बच्चे बुच्चे निकले कि नहीं निकले। भाई ये अंडे वैसे के वैसे ही है, इनको यार निकाल के ना मैं देख लेता हूँ ये अंडे खराब है या सही है, देख लेते हैं क्या चीज चल रही है इसमें। यार मटकी मैंने नीचे उतार ली है इसकी ना दोस्तों, मैं कैंडलिंग करके आपको बताता हूँ ये अंडे ठीक है या खराब। मैंने देखे दोस्तों, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यार अंडे ना खराब, एक दफा इनको ना तोड़ के भी हम चेक कर लेते हैं ये खराब है या ठीक है। देखते हैं यार, चलो साइड पे उस कील की मदद से ना इसको देखते हैं। तो भाई इसको दोस्तों तोड़ लेते हैं, पर मुझे लगता है यार ये अंडे दोस्तों खराब है। एक ये देखें, बिल्कुल अंडे जो है दोस्तों खराब है। प्रोसीजर बना था लेकिन वहीं खत्म हो गया भाई। तो यार बच्चे ना दोस्तों अंदर ही मरे हुए हैं यार, मतलब कि अंडे सारे के सारे खराब है, तो इसमें से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। इन अंडों को नहीं मैं तोड़ता, इनको फेंक देते हैं यार, गंदी बड़ी स्मेल आ रही है। तो यार इनकी मटकी मैं वापस लगा दूंगा, क्योंकि मौसम दोस्तों भी ठंडा है। अभी ना इनके हम ले लेते हैं अंडे वगैरह ला करके, अगली दफ़ा बच्चे निकलना है। तो इन्होंने दूसरी दफ़ा ही ब्रीड की थी, लेकिन ये अंडे भी दोस्तों खराब हो चुके हैं। फीमेल अपनी मटकी को देख रही, देखें बैठी हुई। और यार ये डरते ही दोस्तों बहुत कम है यार, ये इतना मारती नहीं है ये और ना इतना डरती। कोई मटकी भी मैंने दोस्तों लगा दी है, उधर बढ़ते हैं और भाई इनको देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। हो सकता है इन्होंने अंडा शंडा कोई दे दिया, देख लेते हैं। अल्लाह करके दिया हो यार, मज़ा आ। और कुछ भी नहीं दिया हो दोस्तों, खाली है मटकी और दोनों के दोनों अंदर बैठे हुए। ये वो वाले हैं दोस्तों जो हम बाद में लेके आए थे ना, वो वाले हैं ये। तो चलें इनको पकड़ते हैं और इनको लेके चलते हैं दूसरे वाले केज में। पहले उसको भी देखना पड़ेगा यार कि वो उधर आता है कि नहीं, उस केज में ये वो वाला पिंजरा जो है इधर आता है कि नहीं आता, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अरे जो यार, तो चले वो भी देख लेते हैं जल्दी से। जरा इतनी कोशिशें की है दोस्तों इसके अंदर आ जाए, लेकिन यार ये आ नहीं पा रहा। तो हमने फैसला ये लिया है कि भाई इस केज को ना, मतलब कि तोते हम इसके अंदर ही डाल लेते हैं इसी केज के अंदर, और फिर इस केज को हम ले जाएंगे छत पे और वहाँ पे जाके लेके, मतलब जो केजेस बने हुए हैं ना हमारे उसके अंदर रख देंगे। इसलिए हमने दरवाज़ा बड़ा रखवाया था कि अगर केज रखना पड़ेगा ना तो रख लें, वो काम आएगा दोस्तों। इसमें हमने गलती कर दी थी कि हमने इसका दरवाज़ा छोटा रखवाया था, इसलिए पिंजरा नहीं आ पा रहा। तो एक किस्म का ये हो जाएगा, हमारा सारा सेटअप जो है ना ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। चले फिर इन तोतों को पकड़ते हैं, केज के अंदर डालते हैं और इस केज को लेके चलते हैं छत के ऊपर, और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमने किधर रखने। इनको तो बाहर निकाल दिया, इनकी सबसे पहले तो मटकी निकाल दें, क्योंकि दो तोते हमारे अंदर ही घुसे हुए हैं। तो जल्दी से निकालते हैं और इनको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। इनको जल्दी से दोस्तों इसके अंदर डाल देते हैं, पकड़ते नहीं इनका केज, खोल देते हैं इसका केज, खोल देते हैं। तो यहाँ पे अंदर चले गए। तो यार अब दोस्तों असल सेटअप पे पहुंच चुके हैं हम। नीचे तो यार ना बोल सकते थे इतने दोस्तों, हम ना ये कर रहे हैं इस तरह की आवाज़, क्योंकि यार पता है ना आपको क्या होता है। तो अब दोस्तों इतना मर्जी चीख का भाई कोई नहीं कहने वाला यार। तो हमारा सेटअप यहाँ पे है इंशाल्लाह, यहाँ पे से उठा के, पहले आप थोड़े दो मिनट चार मिनट आप बोर हो रहे होंगे, अपनी बोर होंगे। इन सेटअप को उठा के हमने रखना है अंदर। आपको एक मजेदार चीज बताऊं, आप सेकंड चैनल पे जाते ही देखते नहीं, जिन भाई उनको नहीं पता बता देता हूं भाई। हमारे कुमरों ने यार फिर से अलवी आपको नहीं भी पता, कुमरों ने अंडे दे दिए दोबारा। वो देखें दोस्तों सामने बैठे हुए यार, और शायद इस दफा भी चार अंडे देखेंगे, दोनों फीमेल इसके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे इंशाल्लाह।
तो जल्दी जल्दी चलते हैं इसके। अच्छा यहाँ पे बड़े प्यारे लगेंगे यार ये, एकदम मतलब की आवाजें निकालेंगे, पूरा सेटअप एक मजेदार सा। इनको पिंजरा रखना है इनके नीचे, ये ऊपर नहीं लटकाना, नीचे रख, नीचे किधर को रखें? लटकाएंगे ना तोते फिर इनके ऊपर आके बैठेंगे, डिस्टर्ब करेंगे उन्हें। बीच में रख देते हैं, नीचे वहीं रख देते हैं। ठीक है चले यार भी दोस्तों, ये पीछे वाले में भैया आएगा ही नहीं, आ जाएगा आ जाएगा ये अंदर ही ना रख दे, मैं करा चल के देख लेते हैं अगर तो। देखो यार कितने का। अच्छा यार अभी ना दो तीन काम ऐसे हैं जो कि अब हमारे सेटअप पे होने वाले हैं, वो ये है कि पहला काम तो ये है अभी तो पेंट होना है, ये देख रहे हैं आप हमारे केजेस को, इनको अभी जाली पे भी लकड़ी पे भी मतलब पेंट शेंट होने वाला है। दूसरी काम ये है कि इनके अभी मैंने ना कुछ एक्सेसरीज जो होती हैं इनके झूले टाइप होते हैं वो चीज़ें भी लानी, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। पेंट शेंट में से नहीं कर रहा अभी भी, देखें बादल वा हुए हैं, बारिशों का मौसम चल रहा है तो इसलिए जो है ना मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ ताकि बारिश का मौसम चला जाए ना। और ये देखें यार ये ना तार निकली भी इधर से, तुम्हारे पेरेंट्स निकल सकते हैं जल्दी जल्दी ना, इनको वहाँ शिफ्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं हमने किस एवरी में शिफ्ट किया। दोस्तों मजे की बात यह है कि यार शुक्र है अल्लाह का कि इस वाली एवरी में ना हमारा जो है ना केज आ चुका है यार, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यार इस वाली एवरी में आ गया। अब ये वाली एवरी बिल्कुल हमारी ओकन खुली रहेगी, तो इसको हम ना या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से ना इसको हम ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे लग रहा है। ठीक है यहाँ पे होगा ये कि ना कोई इनको डिस्टर्ब करने वाला होगा, मतलब दाना पानी हम करके आ जाया करेंगे और इनको ना कोई डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि मजेदार से ब्रीड करें और यहाँ मौसम भी ठंडा रहेगा, बारिश का भी कोई मसला नहीं है यार, मजा आ गया दोस्तों। अब आखिरी काम ये है कि इनको एक और दो मटकियां लगानी है और इनको दाना छाना डालना है, उसके बाद बाहर चल के देखेंगे कि मटकी मलती है। वैसे यार फिशर में लबड़ में ना बड़ी अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि मटकी लगाते ही मटकी मल देते हैं, उसी टाइम अंदर चले जाते हैं। ये भी खुश हो रहा है, मुझे लगता है कि भाई हम किधर आ गए हैं, तो पानी भी नहीं है दाना भी नहीं है, पहले हम इनकी मटकी लगा देते हैं उसके बाद ये काम करते हैं। दूसरी मटकी दोस्तों ये वाली मटकी भी इसमें जल्दी से लगा देते हैं और बजीज की भी लगा देते हैं एक दो, क्योंकि मौसम ठीक है हो सकता है अगर किसी ने ब्रीड करनी होगी तो कर लेगा, जल्दी से ये मटकी भी लगा देते हैं। माशाल्लाह से यार दोनों मटके लगा दिए, पानी अभी डालना है और इनका दाना, ये रहा भाई दाना यार लाना भूल गए, तो शाम के टाइम जाऊंगा ना तब इनको डाल देंगे, फिलहाल अभी इनको ये रख देते हैं। फाइनली भाई ये हमारा केज यहाँ सेट हो चुका है, दाना भी डाल दिया, पानी भी इनको डाल दिया और दोनों मटके लगा दिए, स्टिक भी लगा दी, सब कुछ हो गया और अब बाहर चलते हैं, ये थोड़े सहमे में है तो इनको ना इधर से उड़ा देते हैं। ये देखें भाई ये हमारे पैरट्स आ चुके हैं यहाँ पे, माशा कितने प्यारे लग रहे हैं यार, बाहर जाएंगे फिर और इनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। और हमारी डब्स ने यहाँ पे अंडे दिए हैं, इनके अभी तक बच्चे नहीं निकले, पिंची ने भी कोई अंडा शंडा नहीं दिया अभी, ये देखें नेस्टिंग इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की हुई है लेकिन अंडा इन्होंने अभी नहीं दिया, और यहाँ पे भी ये नौशा बना रहे हैं, एक यहाँ पे बना रहा है एक यहाँ पे, तो ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चे देंगे। तो अब ये सारा सामान बाहर लेके चलते हैं और बाहर से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार दोस्तों सारा काम हमारा कम्प्लीट हो चुका है और यार मज़ेदार सी ऐसी ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, ये देखें वो देखें किस तरीके से दरख्त हिल रहा है यार, ये देखें हवाओं की वजह से भाई, ये देखें देखें और बादल देखें यार कितने प्यारे प्यारे, मतलब कि बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये झंडा आप देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब मज़ा आ रहा है ना,
अब वो मौसम जो है ना बस इसी तरीके से मौसम चलता रहे, हमारे बजेस भी खुश, सारे परिंदे हमारे खुश हो जाएंगे। और हमारे जो न्यू हम पेयर लेके आए थे ना दोस्तों लव बर्ड का, उसने वो वाली मटकी मल ली है दोस्तों, वो देखें यार अंदर जाके बैठ गए माशाल्लाह। तो मैंने आपको कहा है ना इनकी खासियत ये है कि जल्दी से मटकी लगाए ना उसी टाइम अंदर चले जाते हैं। तो आप लोगों ने बताया यार हमारा सारा सेटअप जो है ना, एक दफा आपको व्यू दिखाता हूँ अपने पूरे सेटअप का यार माशाल्लाह। ये हमारी मुर्गी है, ये हमारी डक्स, और ये हमारा सारा सेटअप। यहाँ पे रैबिट्स हैं, ये उनका घर है मुर्गियों का, पीछे डक्स का घर है, ये कबूतरों का केज, यहाँ पे ये दो एवरी हैं। अब जो नीचे वाली एवरी है ना वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी एवरी के अंदर दोस्तों एक ही पेयर है, वो भी कॉकटेल का, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी मैं यहीं पर शिफ्ट कर दूँ। तो बाकी वो एवरी बिल्कुल खाली हो चुकी है, इंशाल्लाह मेरी आने वाले दिनों में देखेंगे कि वहाँ पे अगर कोई न्यू सेटअप हमने तैयार शुरू करना हो किसी परिंदे का तो वहाँ पे से हम शुरू कर लेंगे। तो वहाँ पे हम वो परिंदे रखेंगे जो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, हो सकता है हम वहाँ पे बजीज की कॉलोनी बना दें, क्योंकि अभी तो मैंने फिलहाल वैसे ही रखे हुए ये बजीज यहाँ पे, हो सकता है बजीज भी वहाँ पे हम पूरी एवरी बजीज की कर दें और कॉकटेल्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, देखेंगे आने वाले दिनों में। अभी तो मौसम थोड़ा सा कभी गर्म हो जाता है कभी ठंडा हो जाता है। ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई लाइक करें। और हमारे ना ओए वो देखें यार फिंचेस आके बैठ गए उनके उनके पिंजरे के ऊपर, ये देखें भाई यार बस थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लव बर्ड जो है उनकी टांगे ना खींचे ना मसला हो जाएगा। तो खैर यार ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और सेकंड चैनल को मिला सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर भी लोग आ रहे हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।